दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है ये होने वाला है 150 गज के हाउस का। ड्यूप्लेक्स हाउस है, JDA अप्रूव्ड है और इसमें जो बेडरूम है वो आपको 5 मिलने वाले हैं। देखिए साउथ ईस्ट का ये कॉर्नर है अपना और फ्रंट का एलिवेशन आपने इसका देखा, बहुत ही प्यारा इसका फ्रंट एलिवेशन है। बाउंड्री वॉल आप देखेंगे तो बाउंड्री वॉल पर भी देख सकते हैं। स्टोन फिनिश के साथ में यहाँ पर काम करके दिया जा रहा है। नीचे की तरफ आप कुछ प्लांट्स यहाँ पर आपको लगा के दिए जा रहे हैं। साइड में आपका रैंप एरिया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इसमें कॉर्नर है तो बालकनी एरिया जो है बहुत ही प्यारा आपको मिलने वाला है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं हाउस को। आज का ये हाउस जयपुर शहर में वैशाली वेस्ट में रंगोली गार्डन के पास में लोकेटेड है, कॉर्नर है। और अब देखिए एंटर करते हैं हम हाउस के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका मेन डोर है, मेन जो आपका गेट है, उसकी आप एक बार बिल्ट क्वालिटी फिनिशिंग देखिए, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे इसकी बिल्ट क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे सामने की तरफ आपका पार्किंग एरिया, एक बड़ी कार आप इजीली यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। 30x45 की डायमेंशन में ये हाउस आज का बना हुआ है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी वुडन फिनिश के साथ में काम करके दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये पूरा आपको यहाँ पर स्टोन का वर्क मिलने वाला है। और यहाँ से आपके हाउस के अंदर की एंट्री, यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर पूरा यहाँ पे स्टोन का काम किया हुआ है। ऊपर की तरफ वुडन फिनिश में वर्क है। और ये जो मेन आपका डोर है एंट्रेंस पे, ये देखिए आप इसकी क्वालिटी देखिए, डिज़ाइन इसकी देखिए। दोस्तों वीडियो आपको आज का पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंटर करते ही आपका यहाँ पर एक लिविंग एरिया आता है जहाँ पर आप देख ही सकते हैं सोफ़ा यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। पीछे की तरफ इसमें एक फिक्स ग्लास दिया हुआ है, कर्टेन यहाँ पे है ताकि सनलाइट यहाँ पे प्रॉपर रह सके आपके घर में। सामने की तरफ विंडो है। ऊपर की तरफ की जो डिज़ाइंस है वो आप देखिए, बढ़िया सी एक यहाँ पे लाइट लगाई हुई है। फैन वगैरह यहाँ पे आपको रिमोट के साथ में मिलने वाले हैं। आप देखिए सोफा के सामने की तरफ आपका LED का पैनल है। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर है एक मंदिर जो कि वुडन में पूरा ही तैयार किया हुआ है। डिजाइंस वगैरह आप देख ही सकते हैं इसकी। आप देखिए आपका लिविंग एरिया यहाँ पे सेपरेट है, सामने की तरफ डाइनिंग एरिया और यहाँ पे एक पार्टीशन दिया है वुडन एंड सीट्स में, ये आपका पार्टीशन यहाँ पे तैयार किया हुआ है। आप देखिए सोफा के साथ ही यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए एक जगह मिल जाती है जिसमें रैक्स यहाँ पे बना के दी हुई है। आप अपने कुछ यहाँ पे बुक्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रखना चाहें तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। सामने की तरफ आपका जो एरिया है देखिए कितना बढ़िया है। 6 सीटर यहाँ पे डाइनिंग जो टेबल है वो अरेंज की हुई है। साइड से आपकी स्टेयर्स यहाँ से निकल रही है। अब देखिए इस घर में जो है, चाहे बेडरूम हो किचन हो, सबके सब आपको बहुत ही बढ़िया डायमेंशन बहुत ही बढ़िया साइज के साथ मिल रहे हैं। यहाँ पर आप किचन का जो एंट्रेंस है वो देखिए, जो कॉर्नर है वहाँ पर वुडन का काम किया है, बीच में यहाँ पर लाइट्स दी है। और ये आपकी बहुत ही बड़ी सी किचन, किचन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फिटिंग्स वगैरह है बहुत ही अच्छी ब्रांडेड की हुई है। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए कैबिनेट्स दिए हैं हाइड्रोलिक वर्क के साथ में, ये देखिए डबल आपको यहाँ पे सिंक एरिया मिल जाता है। मूवेबल आपका यहाँ पे ये टेप रहने वाला है। नीचे की तरफ के जो ड्रॉवर्स है वो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको मिल रहे हैं। काउंटर टॉप काफ़ी बड़ा। और किचन में देखिए कॉर्नर हाउस है तो बेनिफिट तो मिलना ही है। साइड में यहाँ पे बड़ी सी विंडो है, किचन में तो वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामने की तरफ आपका बर्नर, ऑटोमेटिक यहाँ पर फेवर की चिमनी लगाई हुई है और सामने की तरफ इसमें एक विंडो दी है।
बड़ी किचन है, तो इसमें आपको देखिए ड्रॉवर्स वगैरह बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं। ये देखिए साइड में स्टोरेज के लिए कुछ जगह दी है। अब ग्राउंड फ्लोर पे एक यहाँ पे बेडरूम है, तो जो बेडरूम है वो है आपका ये, और बेडरूम के भी आप जो डोर्स है वो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसे डिजाइन किया हुआ है। हैंडल्स वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे ब्रांडेड मिलने वाले हैं। एंटर किया आपने यहाँ पे तो बेडरूम में देखिए स्पेशियस बेडरूम है, और एक किंग साइज का यहाँ पे बेड लगाया हुआ है। बेड के पीछे की तरफ का जो हेड है वहाँ पे आप काम देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट्स के साथ में बहुत ही सुंदर काम यहाँ पे करके दिया जा रहा है। बेड के जस्ट सामने की तरफ आपका एक LED के लिए जगह है, और जो पूरी ही वॉल है इसे डिजाइनर यहाँ पे लुक दिया हुआ है। जैसे साइड में कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे रखे हैं, नीचे की तरफ यहाँ ड्रॉवर्स दिए हैं। कॉर्नर हाउस है तो साइड में भी यहाँ पे एक विंडो आपको मिल जाती है, और यहाँ साइड में है आपका ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया आप देखिए प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज के लिए वार्डरोब बनाई हुई है। साइड में यहाँ पे वुडन वर्क में तैयार की हुई आपकी वार्डरोब है। सामने की तरफ एक बड़ा सा मिरर यहाँ दिया हुआ है, और ये है आपका अटैच्ड बाथरूम वेस्टर्न सीट के साथ में, जहाँ पे गीजर वगैरह प्रॉपर यहाँ लगाए हुए हैं। साइड में आपका वॉश बेसिन एरिया, शावर एरिया यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है। अब यहीं पे आप देखेंगे तो जो बैकयार्ड का एरिया है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। वॉशिंग मशीन वगैरह आप रखना चाहो इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहीं आपका जो डाइनिंग लिविंग डाइनिंग एरिया है उसी से कनेक्ट होता है आपका एक छोटा पाउडर रूम, और इस वॉल की डिजाइंस भी आप देखिए एक बार। अब यहाँ से जो लुक आ रहा है ऊपर की तरफ का वो देखिए बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। एक बार यहाँ देख लीजिए आप, कॉमन आपका यहाँ पे एक छोटा पाउडर रूम मिल जाता है। गेस्ट वगैरह कोई भी आपके यहाँ पे आते हैं तो उनके यूज के लिए। अब यहाँ से हम चलेंगे ऊपर के फ्लोर पे, और ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं तो साइड में आप देखिए जो रेलिंग दी है ऊपर वुडन का काम किया हुआ है, और ग्लास का जो काम है और उसमें जो डिजाइंस दी है यार बहुत ही प्यारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। वॉल पे वॉलपेपर का यूज किया है, एंड ऊपर की तरफ शानदार सी यहाँ पे लाइटिंग दी है। अब ये जो फ्लोर है यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 3 बेडरूम, और इसके ऊपर के फ्लोर पे आपको एक और रूम मिलेगा जो कि आप थिएटर के रूप में यूज कर सकते हैं या फिर अपने यूज के हिसाब से उसे काम में ले सकते हैं। ये यहाँ का लॉबी एरिया, इसे भी देखिए कितना अच्छा यहाँ पे डिजाइन किया है, और ये इतना सुंदर घर आपको जो प्रॉपर्टी है वो मिलने वाली है जयपुर शहर में महाराणा प्रताप मार्ग पे। ये यहाँ पे इस फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है, और इसमें वुडन फिनिश के साथ टाइल्स का काम करके दिया जा रहा है। यहाँ भी देखिए आपको विंडो मिल जाती है, और बढ़िया सा यहाँ पे एक डबल बेड अरेंज किया हुआ है। बैक साइड का काम यहाँ पे बहुत ही यूनिक आपको मिलने वाला है। बेड के सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे वुडन का वर्क है, और काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक LED का पैनल दिया हुआ है। और यहाँ भी आपको देखिए ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है अटैच, बाथरूम यहाँ पे मिल जाता है। ड्रेसिंग एरिया में देखिए दोनों तरफ यहाँ पे वार्डरोब दी है, और यहाँ पे आपका बाथरूम, सामने की तरफ वॉश बेसिन एरिया, साइड में वेस्टर्न सीट यहाँ पे है। टाइल्स वगैरह देखेंगे तो प्रॉपर कंप्लीट जो हाइट है वहां तक दी है, और इस साइड में देखिए शावर एरिया आपका यहाँ पे सेपरेट रखा है। अब हम चलते हैं यहाँ से सेकंड बेडरूम की तरफ। जितने भी आपके बेडरूम है उनमें देखिए नेचुरल लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कॉर्नर हाउस है, और ये आपका सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम में आप देखेंगे तो ये कनेक्ट करता है आपकी बालकनी को, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो बेड है वो आप देखिए जो
वॉल है वो देखिए किस तरह से यहाँ पे जो डिजाइंस है वो दी गई है। लाइटिंग भी बहुत ही यूनिक, एंड बेड के सामने की तरफ का जो पार्ट है वहाँ आपको मिल रहा है बढ़िया सा एक LED पैनल। नीचे की तरफ स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स दिए हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सीलिंग जो डिज़ाइन है उसमें यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया हुआ है, और यहीं पे आपको मिल जाता है अटैच्ड आपका बाथरूम। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक वार्डरोब दी है, वार्डरोब के साथ ही यहाँ सामने की तरफ आपका वॉश बेसिन एरिया, साइड में वेस्टर्न सीट, एंड जो शावर एरिया है वो आपका यहाँ पे फिर से सेपरेट रहने वाला है। बहुत ही एक अच्छे तरीके से इस घर को डिजाइन किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए कर्टेंस दिए हैं, एंड UPVC स्लाइडिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे डोर्स, जो कि सामने की तरफ आपकी बालकनी है। अभी जो सेकंड थर्ड बेडरूम है इस फ्लोर का, वहाँ से मैं आपको ये बालकनी एरिया भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी जयपुर शहर में एक शानदार सी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे नंबर मेंशन किए हुए हैं, वहाँ कॉन्टेक्ट करके आप एक अपना शानदार सा हाउस परचेज कर सकते हैं। अब ये इस फ्लोर का थर्ड बेडरूम है और हाउस का फोर्थ बेडरूम है। इसमें भी देखेंगे आप तो डबल बेड आपको यहाँ भी अरेंज करके दिया जा रहा है। शानदार सी यहाँ पे आपको सीलिंग डिजाइन मिल जाती है, AC फिटिंग के पॉइंट जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे AC फिटिंग के पॉइंट मिल जाएंगे। LED पैनल आपको हर बेडरूम में यहाँ पे तैयार करके दिए जा रहे हैं। हर रूम में आपको अटैच यहाँ पे मिल रहा है बाथरूम एरिया। अब देखिए इसका जो अटैच जो बाथरूम एरिया है वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके ड्रेसिंग का पार्ट है, वार्डरोब एंड मिरर, और यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो वेस्टर्न सीट यहाँ पे दी है, आपका वॉश बेसिन एरिया, सामने की तरफ आपका शावर एरिया। अब चलते हैं हम यहाँ से बालकनी एरिया की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार आपको मिल रहा है। ये देखिए, और ये हाउस मेन जो रोड है वहाँ से जस्ट 50 मीटर की डिस्टेंस पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेन मार्केट यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये यहाँ पे आप बालकनी एरिया देख सकते हैं, और बालकनी में यहाँ सामने की तरफ देखेंगे तो जो ग्लास वगैरह का जो काम है बहुत ही प्यारा करके दिया जा रहा है। इस साइड से देखिए यहाँ भी काफ़ी बड़ी बालकनी आपको यहाँ मिल रही है। तो ये हमने यहाँ पर दो फ्लोर कम्प्लीट किए। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे एक आपका थिएटर रूम मिलने वाला है, ओपन टेरिस पे एक गार्डन एरिया मिलने वाला है, तो वो भी हम देख लेते हैं। आपको इस घर में क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिख दीजिए, और आ जाइए ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए एक झूमर लगाया हुआ है, कंसीड लाइट्स वगैरह, सीलिंग यहाँ पे कंप्लीट करके दी जा रही है आपको। यहाँ एक रूम डिजाइंस वगैरह इसकी देख लीजिए, आप अपनी नीड के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। सामने की तरफ यहाँ भी एक अटैच बाथरूम है वेस्टर्न सीट के साथ में। यहाँ से आइए फिर आप जो अपना टेरिस एरिया है उसकी तरफ। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जो फ्लोरिंग है वो भी अच्छी सी तैयार की हुई है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया है, और इस साइड में आप देखेंगे तो वाटर फाउंटेन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस वॉल पे एलिवेशन लाइट्स दी है ताकि जो शाम का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आ सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको जो वीडियो मैंने दिखाया, प्रॉपर्टी मैंने आपको जो विज़िट कराई, आपको पसंद आई है। 30x50 की डायमेंशन में बना हुआ आज का ये घर है, 5 बेडरूम इसमें आपको मिलने वाले हैं। जयपुर में महाराणा प्रताप मार्ग पे लोकेटेड है,
पसंद आया वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।